बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सेशन का आगाज करते हैं जी। आज के सेशन का जो मकसद है वो ये है कि हम लोग बात करें रिगार्डिंग कैफ ऑनलाइन टेस्ट सेशन, जो इस वक्त हम लोग फास्ट ट्रैक टेस्ट बच्चों के लिए लेके आ रहे हैं। वो टेस्ट सेशन क्या है, उसका बेनिफिट क्या होगा, कौन से लोग हैं जिनके लिए हम लोग ये टेस्ट सेशन लेके आ रहे हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। वेबसाइट का एक आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। वेबसाइट पे कैसे लॉग इन करते हैं, वेबसाइट पे टेस्ट कैसे डाउनलोड होगा, कैसे क्वेश्चन पेपर आप अपलोड करेंगे अपना सोल्यूशन सॉल्व करके, वो चेक हो गया आपको कैसे मिलेगा, इन सारी चीज़ों के ऊपर एक डेमोन्स्ट्रेशन सेशन है। क्योंकि ये वो बातें होती हैं जिनके ऊपर स्टूडेंट को एंड तक कन्फ्यूजन रहती है, और जब तक इस पूरे प्रोसीजर को उनके सामने करके ना बता दिया जाए उस वक्त तक उनको समझ नहीं आती है। अभी आप लोगों ने देखा कि ईद गुजरी, और ईद के बाद आप लोगों की जो प्रिपरेशन वगैरह है, आई एम श्योर कि इंशाल्लाह आप लोग अब फुल थ्रॉटल से अपनी प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं। क्योंकि जारी बात है कि ईद से पहले ज़रा थोड़ा सा आप इजी थे कि आप चलें ईद गुजरेगी तो फिर उसके बाद ही हम लोग कोई अपनी एक्टिविटीज़ जो है ना वो शुरू करेंगे। तो अब जनाब ईद गुजर चुकी है, और अब आपने क्या आपकी प्रिपरेशन के ऊपर अपना पूरा फोकस लगा देना है। अब आपने बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को अलग कर लेना है, बहुत सारी एक्टिविटीज से, और अभी आपका जो फोकस होना चाहिए वो अपना कैफ सितंबर 2021 की जो अटेम्प्ट है इसके ऊपर फोकस आपका होना चाहिए। क्योंकि अब इसमें तकरीबन आई थिंक 45 डेज जो है ना वो तकरीबन वो रह गए हैं, 1.5 महीने का टाइम आपके पास रह गया। अब आप लोगों ने इसकी तैयारी करनी है। आज के टेस्ट सेशन में हम लोग ये बात करेंगे कि हमें टेस्ट सेशन की क्यों जरूरत है, क्यों हम लोगों को टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और कैसे ये हमारी हेल्प करता है पेपर को पास करने में। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फास्ट ट्रैक टेस्ट सेशन, उसके फीचर्स क्या हैं, उसका प्लानर क्या है, हम उसके स्केड्यूल्स के बारे में बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि ये क्या क्या फैसिलिटीज आपको ऑफर कर रहा है। कैप फोर का एक स्पेशल फास्ट ट्रैक बैच भी है जो सर आतिफ अब्दुल साहब ऑफर कर रहे हैं, जो कि डिफरेंट है उस फास्ट ट्रैक से जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं। हम इन दोनों का डिफरेंस वगैरह भी देखेंगे। बहुत सारे बच्चों के जहन में अभी काफी सारे सवाल होंगे कि ये क्या चीज है और इसका हमारे मेन फास्ट ट्रैक से क्या डिफरेंस है, तो हम इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं आपको वेबसाइट दिखाऊंगा, वेबसाइट को इस्तेमाल करना, उसमें से टेस्ट डाउनलोड करना, सोल्यूशन अपलोड करना आपको कैसे मिलेगा, हम लोग पूरा एक वॉक थ्रू करेंगे। हम लोग देखेंगे कि ये किस तरीके से ये सारे के सारे काम होते हैं, राइट। ठीक है जी। और फिर एक और चीज जो आज हम लोगों ने अनाउंस किया है सीएमए डीसी के स्टूडेंट्स के लिए, कि उनको ये जो फास्ट ट्रैक का टेस्ट सेशन है ये हम उनके पैकेज के अंदर शामिल करके दे रहे हैं, और उन लोगों के लिए इसमें क्या क्या जो है ना वो चीजें मौजूद हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, हम सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सेशन से मुतालिक क्वेश्चन लेंगे। आप लोगों को पता है कि और इसमें बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल आते हैं, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बच्चे पूछना शुरू कर देते हैं, बच्चे नई पॉलिसी के बारे में बात करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को मैं आंसर नहीं करूंगा इस सेशन में, क्योंकि इसका मकसद ये चीज नहीं है। सेशन के एंड पे आप लोगों के क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे, उस क्वेश्चन आंसर सेशन में आप जो मर्जी पूछ लीजिएगा। ठीक है जी। पहले हम लोग टेस्ट सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, यानी कि पहले हम लोग रेलेवेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नॉन रेलेवेंट क्वेश्चंस की तरफ चले जाएंगे। तो मैं यहीं पे हूँ, आप लोग भी यहीं पे हैं, आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा हम लोग जो है ना वो तरतीब से लेके चलेंगे, ताकि वो बच्चे जिन्होंने सिर्फ टेस्ट सेशन के लिए आए हैं, जो सिर्फ टेस्ट सेशन के बारे में पूछना चाहते हैं, उनका काम पहले हम लोग कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन होंगे, मेरे आंसर होंगे। ठीक है जी। अच्छा, कुछ लोग जो अभी इसको ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, डेट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि जारी बात है आपको पता है कि पिछले भी कुछ सेशन हमारे ऐसे हुए हैं जिनमें बच्चों की जो अटेंडीज थी उनकी तादाद पूरी हो जाती है, एंड देर इज अ लिमिट कि जिसके बाद हम अटेंडीज बीच में ऐड नहीं कर सकते। तो आप लोगों के लिए फिर डेफिनेटली इस सेशन की रिकॉर्डिंग जो है वो प्रॉपर एडिटेड फॉर्म में पार्ट बाय पार्ट अवेलेबल भी होंगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं जरा आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि इस वक्त जो मेरी ऑडियंस है ये किस तरह की है, यानी कि आप लोग किस थॉट प्रोसेस से ताल्लुक रखते हैं। ये इसके लिए आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, आप लोगों ने एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगर आप सीएमए डीजी के स्टूडेंट हैं तो आप ऑप्शन नंबर वन को सेलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। अगर आप कैप फोर स्पेशल फास्ट ट्रैक बैच बाय सर आतिफ आपने जो 12 टेस्ट पे मुश्तमिल जो टेस्ट सीरीज है, अगर आप उसके स्टूडेंट हैं तो आप उसको टिक करेंगे और एंटर कर देंगे।
और अगर आप वैसे ही इन दोनों जो कैटेगरीज है उसके अलावा हैं, यानी कि आप सिर्फ फास्ट ट्रैक टेस्ट ले रहे हैं और आप कहीं और से पढ़ रहे हैं, तो आप उस रेलिवेंट ऑप्शन पर टिक करेंगे। ठीक है जी, 48% लोगों ने वोट किया है। मैं चाहता हूँ कुछ और लोग वोट कर दें ताकि फिर उसके बाद हम लोग आगे चलें। 67% रिस्पॉन्सेज मेरे पास आ चुके हैं। आप लोगों से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मेरी ऑडियंस है इस वक्त, उसका ताल्लुक कौन से ग्रुप से है। अगर आप CMADC के स्टूडेंट हैं तो आप CMADC के ऊपर टिक करेंगे। अगर आप वो जो 12 टेस्ट का फास्ट ट्रैक टेस्ट सेशन सर आतिफ आब्दू साहब ने शुरू किया, जिसके साथ कुछ और चीज़ें भी हैं, तो अगर आप उसके स्टूडेंट हैं तो आप वहाँ रेलिवेंट ऑप्शन को टिक करेंगे। और अगर आप वैसे ही जनरल पब्लिक में से और फास्ट ट्रैक टेस्ट के लिए आना चाह रहे हैं तो आप ऑप्शन जो थर्ड है उसको टिक करेंगे। ठीक है जी, आप लोगों के काफ़ी सारे रिस्पॉन्स मुझे आ गए हैं। 89% लोगों ने वोट कर दिया है। अब मैं ये पोल क्लोज कर रहा हूँ और अभी मैं आप लोगों के सामने शेयर भी करता हूँ। वैसे तो आप लोगों के लिए कोई बहुत ज़्यादा रेलिवेंट बात नहीं है। इस वक्त मेरे पास सबसे ज़्यादा तादाद CMADC के स्टूडेंट्स की है, फिर फास्ट ट्रैक के जो टेस्ट हैं, और 12% लोग ऐसे हैं जो कि कैप फोर स्पेशल टेस्ट सेशन ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है जी, कैप फोर स्पेशल टेस्ट सेशन के लोगों के लिए भी गाइडेंस है, CMADC के लोगों के लिए भी गाइडेंस है, और फास्ट ट्रैक टेस्ट के जो बाकी लोग हैं उनके लिए भी कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं। तो ये सारी वन बाय वन आएंगी। अभी आप लोग जो है ना वो कोई सवाल ना पूछें जब आपकी सारी बातें डिस्कस हो जाएंगी, और फिर मैं पूछूंगा अच्छा जी अब कोई सवाल रह गया तो पूछ लें आप, फिर उस वक्त क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। राइट, अच्छा जी, वन बाय वन अब हम चलते हैं। जो चीजें डिस्कस करने वाली हैं उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम चीज डिस्कस करेंगे, मैं चाहता हूं कि हम लोग ये वाली बात बड़े गौर से कर लें कि व्हाई डू वी नीड दिस टेस्ट सेशन। ये टेस्ट सेशन फॉर दैट पर्पज, कोई भी टेस्ट सेशन हम लोग क्यों ज्वाइन करें, हालांकि हमारे जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बड़े एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, उनका स्टडी मटेरियल भी बहुत ज़बरदस्त है, वो जब हमें पढ़ाते हैं तो फिर उसके बाद हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है। तो जनाब ऐसे कहते हैं कि हम लोग कैफ के एग्जामिनर कमेंट्स के अंदर से कुछ रीजंस ऑफ फेलियर, जो कि एग्जामिनर बेचारा सर पटक पटक के कहता है कि जनाब बच्चे इस वजह से फेल होते हैं, बच्चे इस वजह से जो है ना वो अपने मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग एग्जामिनर कमेंट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि एग्जामिनर फेल होने की बड़ी रीजंस के बारे में क्या बताता है। सबसे पहली जो रीजन एग्जामिनर बताता है फेलियर की, दैट इज सेलेक्टिव स्टडी। ठीक है जी, सेलेक्टिव स्टडी तो एक ऐसी चीज है जो कि हम लोग सवाब का काम समझ के करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे सारे लोगों को पता है कि ये जो डिफरेंट टाइप की जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, पेप्सी कोक वगैरह, ये सेहत के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पीते हैं और ना सिर्फ इनको इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े शौक से इनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो दिस इज समथिंग जिसके बारे में जितना भी बोला जाए, जब तक हम लोग खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे उस वक्त तक हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आगे जो रीजन आने वाली है ये वो बड़ी मजे की रीजन है। राइट, फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर बेचारा बड़ा परेशान होता है, वो कहते हैं कि स्टूडेंट वर अनएबल टू आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। स्टूडेंट को पता ही नहीं चला कि क्वेश्चन में हमने पूछा क्या था, हमने पूछा कुछ और था, उसने जवाब कुछ और दे दिया, सवाल गंदम जवाब चना वाला हिसाब हो गया, हमने पूछा कुछ और उसने बताया कुछ और। ये क्यों होता है? ये एक बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट के क्वेश्चन के अंदर कि वो क्वेश्चन को सही रीड नहीं कर पाता। एक और एरर की बात करते हैं, उसने कहा जी स्टूडेंट ने वो बताया जो उसे पता था, उसने वो नहीं बताया जो हमने पूछा था, हमने पूछा था कोई बात तो उसने कहा कि जी ये छोड़े, ये जो आपने बात पूछी है ये तो फजूल बात है, ये तो बाकी बच्चे भी आपको आंसर कर रहे हैं। तो एग्जामिनर जो है उसको ये वाली बात तो बाकी बच्चों के आंसर से पता चल जाएगी। मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो कि ये है। ठीक है जी, सो द थिंग वॉज कि हम लोग क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई कर गए तो हमें पता ही नहीं था जो उसने पूछा हुआ है, हमने कुछ और बता दिया और वो जो और बताया वो ऐसा खूबसूरत बताया कि यार देखो ये तुम्हारी नॉलेज में हम इजाफा कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं और चीज देखते हैं। फॉर्मेट्स वर कंप्लीट मेस। एग्जामिनर बेचारा बोल बोल के थक गया, यार मुझे समझ ही नहीं आ रही जो बात मैंने पूछी है वो कहाँ पे है। जो वर्क जो अमाउंट उसने कैलकुलेट करने के लिए कहा वो हमने कहाँ पे लिखी, वो हमने फोर्थ पेज के बिल्कुल एंड पे लिखी के जनाब आपने मुझसे पूछा था ना बताओ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी है, तो ये ले जनाब ये फोर पेज के एंड पे जो है ना ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की फिगर है जिसके ऊपर मैंने ऐसे दायरा लगाया था, दिस इज द आंसर। हम लोग फॉर्मेट्स के ऊपर ध्यान ही नहीं करते हैं। ठीक है जी, हमें प्रेजेंट करना नहीं आता होता है, दिस इज द मोर आप समझ लें कि मोर इक्विटेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पॉइंट, कि हमें प्रेजेंट ही नहीं करना आता होता है कि हम लोग क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करें।
प्रेजेंटेशन बहुत खराब है। अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि फॉर्मेट्स के नंबर होते हैं या वर्किंग के अंदर जो चीजें होती है उनके नंबर्स होते हैं, ये एक अलग डिस्कशन है जो आप अपने अकाउंटिंग के टीचर से पूछेंगे कि क्या इस फलां फॉर्मेट के नंबर होते हैं या इस फलां वर्किंग के नंबर होते हैं। लेकिन एग्जामिनर बेचारा ये कहना चाह रहा है कि यार जो चीज मैंने पूछी थी, मैंने पूरा सोल्यूशन बच्चे का चेक कर लिया, जो फिगर मैंने पूछी थी वो मुझे कहीं पर नजर नहीं आई, या कहीं पर नजर आई तो वो इतनी बुरे तरीके से प्रेजेंट की हुई थी कि हमें पता ही नहीं चला कि यार ये अच्छा ये आंसर था जो वो देना चाह रहा था। तो ये वाली भी एक रीजन है जो एग्जामिनर कमेंट्स के अंदर हमें नजर आती है फेलियर की, जिससे बच्चे मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाते हैं। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थ्योरी के क्वेश्चंस के अंदर जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस थे, हमें पता ही नहीं था कि इसको कैसे प्रेजेंट करना है। क्या पहले रूल लिखना है फिर सिनेरियो का आंसर देना है, या पहले सिनेरियो का आंसर देना है फिर रूल लिखना है, या आंसर और सिनेरियो को आपस में कैसे लिंक करना है, रूल्स कैसे प्रेजेंट करने हैं, ये बात स्टूडेंट को पता ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि जनाब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, राइट। ये एक रीजन थी। देन स्टूडेंट वर अनएबल टू कंप्लीट द पेपर इन टाइम, ये बहुत ही कॉमन इशू है जो कि बच्चे फेस करते हैं कि उन्हें आता होता है सारा कुछ लेकिन वो अपना पेपर जो है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते, राइट। स्टूडेंट जैसे एग्जाम खत्म होता है तो उसके दो या तीन सवाल जो है ना वो सॉल्व करने वाले रहते होते हैं। इसमें एक और चीज भी इसी के साथ शामिल हो जाती है कि बच्चों के जो हाथ हैं वो थक जाते हैं, उनकी रिटन प्रैक्टिस इतनी नहीं होती है, वो तकरीबन एक घंटे का एग्जाम देने के बाद अपने हाथ दबाते हुए नजर आते हैं। लेफ्ट राइट जब वो देखते हैं तो हर कोई अपने हाथ को अजीब तरीके से तोड़ मरोड़ रहा होता है कि यार इसकी जो थकन है वो ठीक हो जाए। हम लोग शुरू में बहुत अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा लिखते हैं लेकिन जब कोई 5-6 सफ़े लिख लेते हैं उसके बाद हमारी जो राइटिंग ऐसी होती है कि वो एग्जामिनर बेचारा समझने के लिए उसको महत्व बच्चे की जरूरत होती है, ठीक है, प्रिज्म की जरूरत होती है कि वो देखे क्या रही है, बच्चे ने लिखा क्या है, सही है। तो हमारी राइटिंग शुरू में ठीक होती है लेकिन आगे जाते जाते हमारी राइटिंग इतनी खराब हो जाती है कि वो शायद अगर हमें भी नजर आए तो हम कहें कि यार ये किसने इतना गंदा गंदा लिखा हुआ है, वो बाद में पता चलता है कि यार ये तो हम खुद ही हैं, राइट। सो दीज वर सम मेजर रीजंस ऑफ फेलियर, ये वो फेलियर की रीजंस हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है और एग्जामिनर बहुत ही ज्यादा बार ये बात शेयर करता है। अच्छा, इन 6 रीजंस के अंदर से अगर हम सबसे पहली रीजन की बात करें, सिलेक्टिव स्टडी या आपकी प्रिपरेशन का फॉल्ट है, बट अनएबल टू आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, ये आपकी राइटिंग प्रैक्टिस का फॉल्ट है, ये आपकी लैक ऑफ टेस्टिंग का फॉल्ट है कि आपने राइटिंग प्रैक्टिस इतनी ठीक नहीं की। पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, आपको पता ही नहीं था क्या आंसर देना है, राइटिंग प्रैक्टिस की प्रॉब्लम है। अगर आपने टेस्ट दिए होते और इस तरह के क्वेश्चंस को पहले टैकल किया होता तो एग्जामिनर आपको बताता कि यार इस सवाल का ये जवाब नहीं, ये जवाब देना था। फॉर्मेट्स आपको नहीं आते, राइटिंग प्रैक्टिस का प्रॉब्लम है कि आपने फॉर्मेट्स के ऊपर फोकस ही नहीं कभी किया, आपने कहा कि जैसे टीचर व्हाइट बोर्ड पर कराता जा रहा है हम वैसे ही करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज डिस्कस करता हूँ, प्रॉब्लम ये होती है कि टीचर के पास व्हाइट बोर्ड जो होता है ना वो इस तरीके से होता है जिसको हम लैंडस्केप कहते हैं, ठीक है, और आप जब पेपर देते हैं तो एग्जाम में आपके पास जो शीट होती है वो पोर्ट्रेट होती है। यहां से भी बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हमें प्रेजेंटेशन की समझ नहीं आ रही होती, टीचर तो यहाँ पे लिखता है इतनी लंबी वर्किंग बनाता चला जाता है और फिर यहाँ पे लाइन लगा देता है, फिर और वर्किंग बनाता है, फिर यहाँ पे लाइन लगाता है, उसने पूरा का पूरा सवाल व्हाइट बोर्ड पे आपको प्रेजेंट करना होता है। लेकिन हम लोग उस चीज को, उसी क्वेश्चन को जब पेपर पे करने लगते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि हमने उसको कैसे प्रेजेंट करना है। अक्सर बच्चे प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, फिर वो मार्जिन्स के अंदर थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके लिखना शुरू कर देते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये इस वजह से है कि हमें पेपर पे प्रेजेंट करना नहीं आ रहा होता, अगेन योर राइटिंग प्रैक्टिस की प्रॉब्लम है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है हमें नहीं पता, राइटिंग प्रैक्टिस की प्रॉब्लम है। पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं होता, राइटिंग प्रैक्टिस की प्रॉब्लम है। तो जनाब हमने ये जिक्र किया कि फेलियर की 6 बड़ी रीजंस में से 5 रीजंस ऐसी हैं जो कि अल्टीमेटली आपकी राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर है। देखिए ना, आपने सिलेबस तो पढ़ना है लेकिन एग्जामिनर को जाके कहानियां थोड़ी सुना के आनी है, आपने एग्जामिनर को पेपर पे लिख के दे के आना है और वो पेपर पे लिखे हुए को चेक करेगा। तो जब हम लोग पेपर पे लिखे हुए की प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे अपने पेपर पे अच्छा पास कर पाएंगे। होता ये है कि जो बच्चे किसी भी एक टेस्ट में अपीयर हुए बगैर पास हो जाते हैं वो आपको ये तो बताते हैं कि मैं तो बगैर टेस्ट के पास हो गया था, लेकिन वो ये नहीं बताते कि उनकी थर्ड अटेम्प्ट थी। थर्ड अटेम्प्ट का ये मतलब होता है कि इससे पहले 2 दफा वो टेस्ट दे चुके हैं, 2 दफा वो पूरा का पूरा एग्जाम 3-3 घंटे का दे चुके हैं,
उसके बाद वो पास हुए हैं। और अगर कोई बच्चा पहली अटेम्प्ट में विदाउट टेस्ट पास हो जाए तो उसकी किस्मत है। ये हम लोग ये नहीं कह सकते कि ओवरऑल पॉपुलेशन हमारी ऐसी है कि बगैर टेस्ट, ओवरऑल पॉपुलेशन हमारी ऐसी है कि जिनको पास हो जाती है ना, तो वो टेस्ट में इतना इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि बहुत सारी रीजन है टेस्ट में अपियर ना होने की। हम लोग टेस्ट में अपियर नहीं होते और फिर हमारा रिजल्ट भी थोड़ा सा ही आता है, 40%, 39%। आप देखें ना, ये एक बड़ी हैरानकुन बात है कि जनाब कुछ बच्चे क्लासेस लेते रहे, उसी टीचर से क्लासेस ली जिस टीचर के स्टूडेंट जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट सिक्योर करते हैं, लेकिन उसी क्लास में बैठे हुए कुछ और बच्चे जिनको सेम टीचर ने सेम तरीके से सेम मटेरियल के साथ सेम बुक के साथ पढ़ाया और उतना ही पढ़ाया जितना उस बच्चे को पढ़ाया था, कुछ बच्चे सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट हासिल कर गए, कुछ बच्चे फेल हो गए। अब वो क्यों फेल हो गए? वो इसी वजह से फेल हो गए कि उन्होंने अपनी प्रैक्टिस के ऊपर फोकस नहीं किया, उन्होंने जब उनको टीचर पढ़ा रहा था उन्होंने उस वक्त उस चीज के ऊपर कोई गौर नहीं किया। तो दिस इज द रीजन, यहां से हमें रीजंस पता चल रही हैं कि फेलियर की रीजंस क्या होती हैं। ये जो टेस्ट सेशन है, दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर बिटवीन स्टूडेंट गेटिंग पास और स्टूडेंट गेटिंग फेल्ड, राइट? सो द थिंग इज कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी टेस्ट सेशन, आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट अपने अपने कॉलेजेस में टेस्ट सेशन ले रहे हैं, कोई भी टेस्ट सेशन लें लेकिन जरूर लें। क्यों? क्योंकि फेलियर की 6 बड़ी वजूहात में से 5 रीजंस ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर फोकस कर रही है, इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली राइटिंग प्रैक्टिस की वजह से होती है। तो जनाब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप ये देखें कि टेस्ट सेशन जो है वो क्या है। अब प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो टेस्ट सेशन शुरू से नहीं ज्वाइन कर पाए और अब वो हमारे पास CA नोट्स का जो टेस्ट सेशन है उसमें आते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब हमें इनरोल कर लें और हमारे जो पुराने टेस्ट हैं वो हमें वैसे ही क्वेश्चन पेपर और सोल्यूशन दे दें, हम उनको खुद ही चेक कर लेंगे और देख लेंगे। हमारी टीम इस वक्त, हम लोगों, आपको याद है, आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि आफ्टर रिजल्ट हम लोग एक 12 वीकली टेस्ट का एक प्लान शुरू करते होते हैं जो हर दफा कैफ के पिछले अटेम्प्ट के रिजल्ट के बाद से शुरू हो जाता है। 12 वीक्स में आपके 12 टेस्ट होते हैं जिसमें एक मिड टर्म टेस्ट होता है और एक फाइनल मॉक होता है। इस वक्त एज ऑफ नाउ इन दिस वीक, वैसे तो इस वीक में छुट्टी है लेकिन अभी तक 8 टेस्ट हो चुके हैं और 4 टेस्ट रह गए हैं जिनमें से एक फाइनल मॉक है। तो बहुत सारे बच्चे जो कि लास्ट मंथ में तैयारी के लिए सोच रहे होते हैं कि यार हम लोग लास्ट मंथ में तैयारी करेंगे, इस वक्त उनके पास कोई टेस्ट सेशन की फैसिलिटी नहीं होती है और वो चाहते हैं, वो आके कहते हैं कि जी हमें उसी कंटिन्यूस टेस्ट सेशन में जिसके 8 टेस्ट हो चुके हैं वो हमें उसमें एडमिशन दे दे, पुरानों के हमें क्वेश्चन पेपर दे दीजिएगा, नए टेस्ट हमारे साथ जो है ना वो कंटिन्यू कर देंगे। तो इस दफा हम लोगों ने इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए एक डिफरेंट टेस्ट सेशन इंट्रोड्यूस कराया है कि बजाय इसके कि वो ज्यादा पैसे दें और फिर भी उनके कुछ टेस्ट चेक ना हो कुछ टॉपिक्स के, देयर इज अनदर वेरी ब्यूटीफुल ऑप्शन कि आप लोग कम पैसे देकर एक फास्ट ट्रैक टेस्ट ज्वाइन कर लें। और ये जो फास्ट ट्रैक टेस्ट है ये एक्चुअली तमाम सब्जेक्ट्स का, ऑल कैप सब्जेक्ट्स का अनाउंस किया जा रहा है और इसका फायदा क्या होगा कि इसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस 100% सिलेबस जो है ना वो कवर किया जाएगा। वन बाय वन इन पॉइंट्स की बात करते हैं। नंबर वन इस कि इसमें 4 मेजर टेस्ट हैं जनाब और ये आपकी जो अपकमिंग अटेम्प्ट है उसके लिए जो है ना वो प्रिपरेशन होगी। 100% सिलेबस इसमें कवर किया जाएगा। हर सब्जेक्ट का स्केड्यूल है जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि कौन कौन से स्केड्यूल के साथ हम लोग इसको लेके चल रहे हैं, राइट? नेक्स्ट इज कि ये वही हमारी जो टीम जो इस वक्त हमारे रेगुलर टेस्ट सेशन जो 12 वीकली टेस्ट सेशन है उसको मैनेज कर रही है, ये वही वाली टीम है जो हमारे ये वाले टेस्ट भी मैनेज कर रही है और काफी देर से ये टीम हमारे साथ काम कर रही है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त हमारे कैफ के टेस्ट सेशन के अंदर जो टेस्ट अभी तक चेक हो चुके हैं जो पिछले 3-4 अटेम्प्ट में 50,000 प्लस टेस्ट। हम लोग बात कर रहे थे कि ये वही सेम टीम जो है वो मैं हैंडल करती है जो कि हमारे वो रेगुलर टेस्ट को भी मैनेज कर रही है और अभी इस वक्त अगर मैं वेबसाइट पर जाकर देखूँ तो अराउंड 50,000 प्लस टेस्ट हैं जो कि इस टीम ने हैंडल किए हैं, इस टीम ने मैनेज किए हैं। यही सेम टीम जो है वो आप लोगों के लिए वाले टेस्ट भी बना के देगी। देन टेस्ट आप लोगों से लेने से पहले रेलिवेंट टीचर से, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर्स हैं, उनसे अप्रूव करवाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि सर इस टेस्ट के अंदर, इसके सोल्यूशन के अंदर आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या कंसर्न्स हैं, उनको डिस्कस किया जाएगा। ये वेबसाइट हमारी CANotes.net के ऊपर ये हैंडल होंगे। आपको कहीं पे भी फिजिकली आने जाने की जरूरत नहीं है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस करने की जरूरत नहीं है। ये वेबसाइट का पोर्टल जिसको अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखा रहा हूँ, उसी पोर्टल के ऊपर सारे के सारे ये टेस्ट मैनेज होंगे।
जैसे कि आप क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद आपको उसके सजेस्टिव सॉल्यूशन इंक्लूडिंग द मार्किंग स्कीम जो है ना वो आपको अवेलेबल होगी, जिससे आपको ये जरूर आइडिया हो जाएगा कि इस क्वेश्चन के ऊपर कितना टाइम लगाना चाहिए था, कितना लिखना चाहिए था और इसके कितने मार्क्स थे। अगर एक बड़ा सवाल है उसके अंदर अगर छोटे छोटे रिक्वायरमेंट्स हैं तो हर रिक्वायरमेंट के कितने मार्क्स हैं, तो इस तरह से आपको डिफरेंट टाइप की गाइडेंस इसमें मिलेगी जो कि बिल्कुल सेम है जैसे आई कैप में आपको मिलती है, जैसे आई कैप चेक करता है। तो ये नहीं कि आपको एक सिमुलेटेड एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, आपको गाइडेंस दी जा रही है कि टेस्ट सेशन के अंदर आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए बना दिया गया है जिसमें आप राउंड द क्लॉक एग्जामिनर से, जो एग्जामिनर है आपका जो आपका टेस्ट चेक कर रहा है, उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके हवाले से जो है ना वो आपको यहाँ पे सारी गाइडेंस मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा जब आप एनरोलमेंट करवाएंगे इस टेस्ट सेशन के मुताबिक। टेस्ट सेशन के प्लान की तरफ चलते हैं। ये टेस्ट जो है ये चार जो है ना वो मेन टेस्ट पर मुश्तमिल होगा, जिसकी फीस जो है वो 1000 रुपीज है। 26 जुलाई से यानी कि मंडे को पहला टेस्ट होगा और 26 जुलाई से 31 जुलाई वाला जो वीक है इस वीक में टेस्ट वन होगा हर सब्जेक्ट का। किस स्केड्यूल के हिसाब से होगा, पूरे वीक में कौन सा सब्जेक्ट का टेस्ट कौन से दिन होगा, ये आपके पास यहाँ पे मौजूद है। मंडे को कैफ वन और कैफ सिक्स का टेस्ट होगा, मंडे को कैफ वन और कैफ सिक्स का टेस्ट नंबर वन होगा और ट्यूजडे को कैफ नाइन का टेस्ट नंबर वन होगा, वेडनेसडे को कैफ फाइव का टेस्ट नंबर वन होगा। इसी तरीके से जो सेकेंड टेस्ट है वो सेकेंड वीक में ये जो होगा 2 अगस्त से लेकर 7 अगस्त वाला, और इनका आपके सामने मार्क्स और टाइम भी दिया गया है। 30 नंबर का जो टेस्ट होगा वो 1 घंटे के लिए होगा। टेस्ट नंबर 3 जो है ये आपका 16 अगस्त से 21 अगस्त के दरमियान में होगा। अगर आप गौर से देखें तो आपको टेस्ट नंबर 2 और टेस्ट नंबर 3 के दरमियान में एक वीक की ब्रेक नजर आएगी। अब ये जो वीक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीक। नॉर्मली बच्चे जब तैयारी शुरू करते हैं तो वो पहले 2 टेस्ट की तैयारी के बाद उनका मोराल डाउन हो जाता है या उनकी प्रिपरेशन थोड़ी पीछे रह जाती है, वो टेस्ट नंबर 3 में अपियर नहीं हो पाते। तो हमने अपने पास्ट एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए बच्चों को टेस्ट नंबर टू के बाद एक वीक का ऑफ दिया है ताकि बच्चे अपना सिलेबस जो कवरेज है उसको पूरा कर लें और फिर उसके बाद वो टेस्ट नंबर 3 में भी पार्टिसिपेट करें, राइट। ओके, टेस्ट नंबर 3 जो है ये आपका 16 अगस्त से 21 अगस्त के दरमियान में होगा। 50 नंबर का टेस्ट है 1.5 घंटे का और टेस्ट नंबर 4 आपका फाइनल मॉक होगा। फाइनल मॉक की डेट्स और उसका जो मार्क्स है और टाइम है वो आप लोगों के सामने यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। सो हम लोग वीकली टेस्टों की तरफ आपको लेके जा रहे हैं, टेस्ट की तरफ लेके जा रहे हैं जो कि आपके हर वीक में टेस्ट हुआ करेंगे और एक वीक इसमें ऑफ है पहले 2 टेस्ट के बाद, ताकि एक तो आप अपने आप को असेस कर सकें, अपनी गलतियां आइडेंटिफाई कर सकें और उसके बाद टेस्ट नंबर 3 में पूरी जान लगा के अपियर हो, राइट। ठीक है जी, अब इसकी जो फीस है डेट इज 1000 रुपीज और 1000 रुपीज में आपको अच्छी खासी जो है ना वो टेस्टिंग जो है ऑफर की जा रही है, राइट। आगे चलते हैं जनाब। अभी आपने ये तो देख लिया कि वीक नंबर 1 में कैफ 1 का टेस्ट नंबर 1 होगा, लेकिन कैफ 1 के टेस्ट नंबर 1 का सिलेबस क्या है, इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे, तो उसके लिए हम लोग अगली स्लाइड पर चलते हैं। कैफ 1 का स्केड्यूल आप लोगों के सामने मौजूद है, सैंपल के तौर पे मैंने कैफ 1 का स्केड्यूल लिया है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के जो स्केड्यूल्स हैं वो आपको हैंडआउट्स में मिल जाएंगे। इसी ऑप्शन में आपको हैंडआउट्स की ऑप्शन नजर आएगी, डाउनलोड्स की ऑप्शन नजर आएगी, तो आपको वहां पे 2 PDF की फाइल्स नजर आएंगी। एक है स्केड्यूल्स, स्केड्यूल्स जो है ये फास्ट ट्रैक टेस्ट के स्केड्यूल्स हैं, और एक इसमें आपको PDF की फाइल एक और मिलेगी स्पेशल फास्ट ट्रैक ऑफ कैफ 4, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिस्कशन करते हैं। कैफ 1 के स्केड्यूल में देखें, टेस्ट नंबर 1 जो है दैट इज ऑन 26 जुलाई और इसका जो टॉपिक है आई कैप की बुक के चैप्टर 4, 5 और 6 है, डबल एंट्री बुक कीपिंग, प्राइम एंट्री एंड बैड एंड डाउटफुल डेट। अगर आप गौर से देखें तो आपका टेस्ट नंबर 1 काफी इजी रखा गया है, ताकि अगर आप लोग जो है ना वो टेस्ट 1 ज्वाइन करने में थोड़ा लेट भी हो जाते हैं तो ये वो एरियाज हैं जो कम से कम अब हर बच्चे के कैफ 1 वाले के तैयार है, वो इस टेस्ट में आए, इस टेस्ट को पार्टिसिपेट करें, इसमें अपनी बाकी गलतियों की तरफ देखें कि ये गलतियां क्या है। मेजोरिटी लोगों का टेस्ट नंबर 2 का जो सिलेबस है वो भी तैयार है। टेस्ट नंबर 2 आपका 2 अगस्त को यानी कि मंडे को होगा और इस 2 अगस्त के टेस्ट में अप्रूवल्स, प्रीपेमेंट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इन्वेंटरी को जो है ना वो टेस्ट किया जाए, ठीक है। अब ये एक आपका हैवी टेस्ट है और हैवी टेस्ट जो है ये इसलिए है कि आप लोगों को इस डेट तक कम से कम ये वाली चीजें लाजमी तौर पर आनी चाहिए। सिमिलरली टेस्ट नंबर 3 जो है ये 16 अगस्त को आपका होगा और आपका जो मॉक है वो 23 अगस्त को होगा। जब आप 16 अगस्त को टेस्ट नंबर 3 पार्टिसिपेट कर लेंगे, इसका मतलब है कि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल 100% डन है, क्योंकि टेस्ट नंबर 3 में आपका रिमेनिंग सिलेबस पूरा का पूरा टेस्ट हो गया है। अब फाइनल मॉक जो है इसमें आप अपियर हो सकते हैं 23 अगस्त को
और इस मॉक में अपियर हो, ये चार टेस्ट की एक्टिविटी में को परफॉर्म करें और लाजमी तौर पे परफॉर्म करें, और इन चार टेस्ट से ही आपकी इंशाल्लाह जो है ना वो पासिंग परसेंटेज या पासिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, राइट। सो सैंपल के तौर पे मैंने कैंप वन का स्केड्यूल रखा है, आपको बाकी स्केड्यूल्स डाउनलोड्स की ऑप्शंस में मिल जाएंगे, आपने वहां से डाउनलोड कर लेने हैं रिमेनिंग स्केड्यूल्स। हम लोग एक और छोटी सी बात करते हैं कि कैंप फोर के ऊपर अभी रिसेंट पॉलिसी की अनाउंसमेंट्स के बाद आई कैंप ने जो ड्राफ्ट पॉलिसी अनाउंस की है उसके बाद कैंप फोर के ऊपर बहुत सारे लोगों का रुझान आ गया। अब ये वो वक्त था कि जब बहुत सारे बच्चों ने कैंप फोर में एडमिशन लेना था, तो बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए, बच्चों को गाइड करने के लिए हमने कैंप फोर का नियर पियर के ऊपर जो कोर्स मौजूद है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने तमाम लोगों को ऑफर कर दिया। तो नियर पियर के ऊपर जनाब कैंप फोर के तमाम वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद हैं। हमें उसकी रेंडरिंग कॉस्ट पड़ रही है, हमें उसकी मैनेजमेंट कॉस्ट पड़ रही है, लेकिन क्योंकि दैट कैन बी मैनेज्ड और हम लोग स्टूडेंट की फैसिलिटेशन के लिए ये काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने स्टूडेंट के लिए पूरा का पूरा कोर्स जो हमारा स्टार कोर्स था, मोस्ट सोल्ड कोर्स है कैंप फोर का, जो कि हमने आप लोगों के लिए फ्री रख दिया है। और ना सिर्फ वो कोर्स फ्री रखा है बल्कि उसको हम लोगों ने इस तरीके से स्केड्यूल किया है, इस तरीके से प्लान बनाया है कि आपने अगर आप कैंप फोर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 30 डेज के अंदर अंदर वो प्रिपरेशन जो है ना वो पूरी करनी है। डे बाय डे स्केड्यूल्स बना दिए गए हैं, हर दिन का स्केड्यूल है, आपने उसको फॉलो करना है और वो आपको वहां पे प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, राइट। उसके साथ अगर आप लोग कोई टेस्ट देना चाहते हैं, और क्योंकि टेस्ट में एक चेकर इन्वॉल्व होता है, एक वेबसाइट इन्वॉल्व होती है, तो फिर हमने उसकी एक नॉमिनल सी प्राइस चार्ज की है, लेकिन ये स्पेशल कैंप फोर का पासवर्ड टेस्ट है। आपने जब इससे बात आपने जब टीम से बात करनी है तो आपने 12 टेस्ट वाले फास्ट्रैक टेस्ट का जिक्र करना है। इस फास्ट्रैक टेस्ट की जो प्राइस है वो 2000 रुपीज है, इसमें 12 टेस्ट है, और सिर्फ 12 टेस्ट नहीं है, इस प्राइस के अंदर आपको लगेगा कि ये प्राइस जो 2000 इसकी चार्ज की जा रही है ये बड़ी प्रॉपर है। आपको एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा जिसमें आतिफ आब्दी साहब आपकी क्वेश्चन के आंसर्स करेंगे, और वीकली लाइव सेशन भी होगा जो कि हर वीक में एक दफा आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स के लिए होगा, और आप लोग आएंगे और आप उधर अपने क्वेश्चंस पूछेंगे रेलेवेंट टॉपिक के मुताबिक। तो जनाब दिस इज ए स्पेशल फास्ट ट्रैक टेस्ट ऑफ कैंप फोर बाय सर आतिफ आब्दी। सिर्फ ये वाला जो टेस्ट है ये मौजूद है उन तमाम बच्चों के लिए जो कि कैंप फोर की रेगुलर टेस्टिंग करना चाहते हैं। अब हमारे पास जो वीक्स हैं वो कम है और टेस्ट में वो ज्यादा है, इसलिए ये जो 12 टेस्ट है ना ये तकरीबन 2 से 3 दिन के जो डिफरेंस है ना उससे होंगे। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट नंबर 1 आपका 26 जुलाई को होगा, टेस्ट नंबर 2 3 दिन बाद 29 को हो जाएगा, टेस्ट नंबर 3 2 को 3 अगस्त को, एक ही दिन के बाद अगले दिन टेस्ट हो जाएगा, 6 अगस्त को टेस्ट हो रहा है, 7 अगस्त को मिड हो रहा है, यानी कि आपके डेली बेसिस पे टेस्ट हो रहे हैं। ये उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि उनकी वो जो है ना वो कैंप फोर की ऐसी की तैसी फेर देंगे टेस्ट दे देके, तो इस तरह के बच्चों के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक टेस्ट है। अच्छा, स्पेशल फास्ट ट्रैक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ कैंप फोर के लिए है, और कैंप फोर के लिए आपके पास दूसरी ऑप्शन भी है। तो कैंप फोर में आपके पास दो ऑप्शन है, कैंप फोर में एक है फास्ट ट्रैक टेस्ट और एक है जी स्पेशल फास्ट ट्रैक टेस्ट। फास्ट ट्रैक टेस्ट में आपके पास ये चार टेस्ट होंगे और इसकी कीमत 1000 रुपीज है, चार हैवी किस्म के खूबसूरत टेस्ट होंगे। स्पेशल फास्ट ट्रैक टेस्ट जो है इसमें आपके पास 12 टेस्ट है, और 12 टेस्ट के अलावा इसमें लाइव सेशन है, इसमें व्हाट्सएप ग्रुप है, और ये आपके लिए जो है ये 2000 रुपीज में अवेलेबल है, राइट। तो इस तरीके से आप इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जिन बच्चों ने 1000 रुपीज अभी जमा करा दिए हुए हैं इन लोगों को हम लोग जो है ना वो फास्ट्रैक टेस्ट में इनरोल कर रहे हैं, जो 2000 के लिए आ रहे हैं उनको हम लोग स्पेशल फास्ट्रैक टेस्ट में इनरोल कर रहे हैं। दोनों में आपकी मर्जी, आप किस तरीके से इसको करना चाह रहे हैं, राइट। सो ये था जनाब आपका स्पेशल फास्ट्रैक टेस्ट। अब हम लोग बात कर लेते हैं सी ए मेड इजी के जो स्टूडेंट्स हैं, सी ए मेड इजी के जो स्टूडेंट्स हैं इन सारों के लिए आज सुबह हमारे वीपी साहब ने अनाउंस किया है, अजमल साहब ने, कि जनाब आप सारे लोगों के लिए एक स्पेशल पैकेज आप लोग लेके आ रहे हैं कि जिसमें ये जो फास्ट्रैक टेस्ट है, फास्ट्रैक टेस्ट सारे के सारे सब्जेक्ट्स के चार स्पेशल टेस्ट जो हम लोग क्रिएट करवा रहे हैं। सी ए मेड इजी में अगर कोई बच्चा वो वाला सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली स्पेशल ये जो फास्ट ट्रैक टेस्ट है इसके अंदर उसकी इनरोलमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आप सब लोगों की इनरोलमेंट हो चुकी है, आप लोगों के अकाउंट्स क्रिएट हो चुके हैं, आप लोगों की सारी रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। हम लोगों ने आप लोगों से
फीडबैक्स लिए थे कि व्हाट आर द रीजंस कि आप लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे, आप लोग क्लासेस क्यों नहीं ले रहे, सारे हमारी 100% अटेंडेंस नहीं जा रही थी, हमारी हमारी टेस्ट सेशन में पार्टिसिपेशन, जो हमारा वीकली टेस्ट होता है क्लास के अंदर, उसमें जो है वो डिफरेंस जा रहा था, बच्चे उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। ये सारी बातें अभी मैं सीए मेडिसी के स्टूडेंट्स के परस्पेक्टिव से कर रहा हूँ। तो हमें बहुत सारे बच्चों ने कहा सर हमारा सिलेबस कवर नहीं हो सका, उसके लिए हम लोगों ने आपको क्रैश कोर्सेज की अनाउंसमेंट की कि आप लोगों के लिए फ्री क्रैश कोर्सेज लेके आ रहे हैं। और दूसरी चीज जो है वो सीए मेडिसी के स्टूडेंट के लिए ये फास्ट ट्रैक टेस्ट जो है ये आप सब लोगों को फ्री दिए जा रहे हैं, ताकि ये हमारी तरफ से वो एफर्ट है जो हम लोग करना चाह रहे हैं। हम लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट किया जा सके, आप लोगों को हर तरह से हेल्प की जा सके। हम लोगों ने बार बार आपसे फीडबैक लिए, बार बार आपसे पूछा, जो कुछ लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, कुछ लोगों ने दे डिडंट केयर टू रिस्पॉन्ड। और फिर हम लोगों ने आपको फास्ट ट्रैक, ये जो फास्ट ट्रैक टेस्ट सेशन है ये अब आपको प्रोवाइड कर दिया। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों ने फास्ट ट्रैक टेस्ट सेशन का फायदा उठाना है और इसमें पार्टिसिपेट करना है। ठीक है जी, तो आप लोगों की फी में ऑलरेडी ये शामिल है, आपको कोई एडिशनल फी की जरूरत नहीं है। हर स्टूडेंट जो है उसका कूपन और अकाउंट क्रिएट किया जा चुका है। आप लोगों को इंशाल्लाह आज या कल में एक एसएमएस आ जाएगा जिसमें आपके अकाउंट्स के क्रेडेंशियल्स दिए गए होंगे और आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल है और किस तरीके से आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। अभी हम लोग इस स्लाइड के बाद हम लोग ये चीज जिक्र करेंगे कि वेबसाइट के ऊपर लॉग इन कैसे करना है, वेबसाइट के ऊपर टेस्ट कैसे डाउनलोड करना है, सोल्यूशन कैसे अपलोड करना है। तो अभी आप सारे लोग देखते रहे, आप लोगों को बड़ी डिटेल से गाइडलाइन मिल जाएगी यहाँ पे टेस्ट सेशन के हवाले से, लेकिन आपको और परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके अकाउंट्स भी क्रिएट हो चुके हैं और हम लोगों ने आपके अकाउंट्स के अंदर लॉग इन करके तमाम कूपन्स भी एंटर कर दिए हैं। लेकिन अकाउंट क्रिएट करने का तरीका और कूपन एंटर करने का तरीका आप लोगों को सारे लोगों को एक दफा करके बताया जाएगा, ताकि वो लोग जो कैफोर का फास्ट ट्रैक ले रहे हैं, आतिफ आफिस साहब का सेशन या वैसे ही फास्ट ट्रैक टेस्ट सेशन में है, उन बच्चों को हम लोग ये वाली चीज बता सके, गाइड कर सके। राइट, ठीक है जनाब, तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे जाने से पहले अगर किसी बच्चे का ये जो बातें हमने शेयर की हैं इसमें किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एक स्टूडेंट ने कहा है कि सर व्हाट अबाउट द रिवीजन क्लासेस, रिवीजन क्लासेस की अनाउंसमेंट इंशाल्लाह बहुत जल्द कर दी जाएगी। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, सिर्फ सीएम एडीसी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये नियर पियर के बच्चों के लिए भी है, उन बच्चों के लिए भी है जो किसी भी कॉलेज में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। 5 अगस्त से ऑनवर्ड सीए मेड इजी की तरफ से तमाम सब्जेक्ट्स के, ऑल कैप सब्जेक्ट्स के फ्री क्रैश कोर्सेज अनाउंस किए जा रहे हैं। राइट, 5 अगस्त से ऑनवर्ड कैफ के तमाम सब्जेक्ट्स के, जो हमारी स्टार फैकल्टी है कैफ के अंदर, वो अपने अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट्स के फास्ट ये जो क्रैश कोर्सेज है ये प्रोवाइड करेगी। क्रैश कोर्स तकरीबन 5 से लेकर 8 दिनों का एक सेशन होगा, जिसमें रोजाना 3 से 4 घंटे का तकरीबन सेशन होगा और उसमें तमाम सिलेबस या सिलेबस के इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर करने की कोशिश की जाएगी। सो दिस इज अनाउंसमेंट फॉर यू गाइस। जिस बच्चे ने सवाल पूछा उसका आंसर कर रहा हूं मैं। पब्लिक अनाउंसमेंट इंशाल्लाह आप लोगों को तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में या एसएमएस के जरिए अनाउंस कर दी जाएगी, आप लोगों को ज्वाइनिंग का तरीका भी बता दिया जाएगा। एंड दिस सेशन इज टोटली फ्री और कोई भी बच्चा कहीं से भी है वो उसको ज्वाइन कर सकता है। पहले हमारा ये प्लान था कि हम लोग इसको एक प्राइस पर रखें, लेकिन फिर इसकी बजाय, क्योंकि ये फॉर द फर्स्ट टाइम नहीं है, इससे पहले भी सीएमएडीसी के ऊपर बहुत सारे क्रैश कोर्सेज होते रहे हैं, क्यूएम का, आईटी का, उसके बाद कैफ के, हमने सारे सब्जेक्ट्स के तकरीबन क्रैश कोर्सेज हम लोगों ने फरवरी के अंदर करवाए थे। तो इसी तरीके से ये वाले जो क्रैश कोर्सेज हैं ये भी इंशाल्लाह आपके लिए अवेलेबल होंगे। जी, सीएमएडीसी के स्टूडेंट्स के लिए वो सब्जेक्ट्स जिनमें वो सीएमएडीसी में रजिस्टर हैं, उन सब्जेक्ट्स के, चाहे वो 2 हैं 3 हैं 4 हैं, जिन जिन सब्जेक्ट्स में वो पढ़ रहे हैं, उनके जो फास्ट ट्रैक के टेस्ट हैं वो उनको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट फास्ट ट्रैक में जब आपने अप्लाई करना है तो आप उसकी फी 1000 रुपीज है, और कांटेक्ट कर सकते हैं आप 03-16-43-87-917, इसके ऊपर आप लोग व्हाट्सएप करें तो वो आपको आगे फर्दर गाइडेंस दे दी जाएगी।
जी बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट जो है वो सीएमए डीजी और उनकी मैनेजमेंट का जो है ना वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कैप फॉर फास्ट ट्रैक टेस्ट स्केड्यूल, कैप फॉर फास्ट ट्रैक जो है ये दो हैं, मैंने अभी आपके सामने शेयर किया कि ये दो तरह की ऑप्शंस आपके पास मौजूद होंगी। एक वो ऑप्शन है जिसमें 4 टेस्ट हैं वो 1000 रुपीज का है, और एक वो ऑप्शन है जिसमें 12 टेस्ट हैं वो 2000 रुपीज का है। जी बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा एक और मैसेज आया, सीएमए डीजी का फ्रंट डेस्क जो है वो बहुत अच्छा है जी, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है जनाब, और कोई सवाल नहीं है इस वक्त? याद रहे कि हम सीएमए डीजी की ओरिएंटेशन का जिक्र नहीं कर रहे हैं इस वक्त, हम लोग फास्ट ट्रैक सेशन का जिक्र कर रहे हैं जो कि वैसे तो सेम टीम की तरफ से आपको ऑफर किया जा रहा है, लेकिन इसमें ये होगा कि हम लोग ज्यादातर जो बात करेंगे वो टेस्ट सेशन के मुताबिक करेंगे। ठीक है जी, कुछ दो तीन और क्वेश्चंस आए हैं। क्या फ्री सर आतिफ आप भी नहीं ले रहे, ये सवाल है या कमेंट है ये मुझे समझ नहीं आई, आप जरा मुझे दोबारा बता दें। जी बिल्कुल, क्या फ्री अभी सर आतिफ आपके साथ सीएमए डीजी के ऊपर नहीं पढ़ा रहे। अच्छा जी, ऑनलाइन टेस्ट सेशन के हवाले से हम बात करते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट सेशन क्या है और वेबसाइट क्या है और इसके ऊपर आप लोग किस तरीके से लॉग इन करते हैं, तो इसके लिए वन बाय वन हम लोग एक एक करके जिक्र करेंगे। वेबसाइट है जनाब test.cnotes.net, www.test.cnotes.net। तो हम ऐसे कहते हैं कि वेबसाइट ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वेबसाइट क्या है और इसमें आप कैसे काम कर सकते हैं। जरा हम लोग अपनी वेबसाइट पे जाने लगे हैं जी, वेबसाइट का लॉगिन आईडी है test.cnotes.net। जब आप ये एंटर करेंगे तो वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी, आपको कह रही है लॉगिन करें। ठीक है, लॉगिन से पहले अगर आप वैसे test.cnotes.net एंटर लिख के एंटर करेंगे तो यू कैन सी के जनाब आपके पास ये test.cnotes.net की वेबसाइट ओपन हो गई है। इसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप की यहाँ पे इंफॉर्मेशन नजर आएगी, आप क्विज पे जा सकते हैं, रिटन टेस्ट पे जा सकते हैं, क्योंकि आप कैप के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए रेलिवेंट है ये रिटन टेस्ट। आप रिटन टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपको कहेगा कि जनाब आप तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो पहले जरा रजिस्टर हो जाए फिर आपको जो है ना वो हम लोग बाकी इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है जी, तो आप लॉग इन करेंगे तो फिर आप रजिस्टर होंगे। ऐसे करते हैं कि पहले मैं आपको अकाउंट क्रिएट करने के हवाले से बता देता हूँ। अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि जी अकाउंट किस तरह से वेबसाइट पे क्रिएट करना है। सीएमए डीसी के बच्चों के अकाउंट्स क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन मैं बाकी लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आप एक रजिस्ट्रेशन पेज पे चले जाएंगे जहां पे आपकी रजिस्ट्रेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आ रही होगी। आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, अपना सीआरएन लिखना है, एक ईमेल जो आप यूज कर रहे हैं वो लिखनी है आपने, और फिर उसके बाद आपने एक पासवर्ड सेट करना है। इसके बाद आपने वही वाला पासवर्ड यहाँ पे नीचे दोबारा लिखना है और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जब आप वही वाला पासवर्ड लिख के रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे दी होगी, इस ईमेल आईडी पे एक ईमेल आएगी और उस ईमेल में कंफर्मेशन का लिंक लगा होगा। आपने उस कंफर्मेशन के लिंक पे क्लिक करना है तो आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। अगर फर्ज करें कि आपको किसी भी वजह से वो ईमेल अपने अकाउंट में नहीं मिलती है तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये जो हमारी वेबसाइट का नंबर है इस नंबर के ऊपर मैसेज करें, ये आपको ऊपर यहाँ पर नजर आ रहा है 03164387917, इस नंबर पे व्हाट्सएप आपने करना है। तो आपने बताना है कि जी मैंने इस ईमेल आईडी से अकाउंट बनाया था और मुझे कंफर्मेशन की ईमेल नहीं आई। तो जो कंफर्म आप देखें कि अगर आपका ये जो अकाउंट है ये क्रिएट हो चुका है, अब हम आगे बात करते हैं कि आपने इसमें लॉग इन कैसे करना है। तो आप रिटर्न टेस्ट पे क्लिक करें या किसी भी जगह पे किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करें, वो आपसे पूछेगा जी बताएं जी अपना ईमेल आईडी वगैरह लिखें। तो हम लोग लिख देते हैं जनाब, एक अकाउंट से लॉग इन करते हैं ये जो मैंने पहले से बनाया हुआ है, आप लोगों के पास डेफिनेटली ये क्रेडेंशियल्स होंगे और आप लॉग इन कर लेंगे। अब आप रिटर्न टेस्ट के ऊपर जाएंगे तो आपको रिटर्न टेस्ट के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के जो इस वक्त हमारे टेस्ट हो रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे इस वक्त एज ऑफ नाउ कैप के टेस्ट हो रहे हैं, और कैप के आपको पता है कि जो हमारा लॉन्ग ठीक है जी। तो हम लोग बात करते हैं रिटर्न टेस्ट के ऊपर क्लिक करके।
रिजल्ट एस पे क्लिक करेंगे हम। रिजल्ट एस पे क्लिक नहीं हो रहा। यस अब आ गया। अब देखिए तरह यहाँ पे आपको रिटन टेस्ट नजर आ रहे हैं। ये इस वक्त वो तमाम टेस्ट हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। इस वक्त वेबसाइट पे 51 टेस्ट ऐसे हैं जो लाइव हैं और जो बच्चे जो डिफरेंट तरीकों से इसमें एनरोल हुए हैं वो यहाँ पे इसको कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको दिखाना है यहाँ पे कि आपके पास यहाँ पे कूपन एंटर करने की ऑप्शन नजर आ रही है। तो जो बच्चे सी एम ए डी सी के अलावा बच्चे हैं जो स्पेशल ये टेस्ट सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, स्पेशल फास्ट ट्रैक टेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, उनको कूपन एंटर करने की जरूरत पेश आएगी। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमारी टीम आपको कूपन फॉरवर्ड करती है और वो कूपन आपको ईमेल के थ्रू आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ईमेल के थ्रू आता है या आपको ये वाला जो कूपन है ये आपको व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी कम्युनिकेट किया जा सकता है। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या एसएमएस के थ्रू आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। जब आपको कूपन आएगा तो आपके सामने ये कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह से आएगी। आपने ये वाली इन्फॉर्मेशन सारी की सारी पढ़नी है। देखें Content of this email are important. Please read and understand the complete email before entering your coupon. ठीक है जी, आप लोगों को guidance है कि जनाब ये वाली information तो आपने लाजमी तौर पर पढ़नी है। Website के ऊपर जाना है, अपना free account बनाना है और ये आपके तीन subjects हैं। इन तीनों subjects के अंदर आप देखें, ये team को मैंने कहा कि यार मुझे subjects में enroll कर दो ताकि मैं बच्चों को बता सकूं as a student कि क्या क्या होता है और कैसे होता है। तो जनाब जब आप सब्जेक्ट में एनरोल होंगे तो आपको ये इसी तरीके से ईमेल आएगी। आपको सब्जेक्ट का नाम दिया गया होगा जिस सब्जेक्ट में आपने एनरोल हुए हैं और एनरोलमेंट के आगे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया होगा, कूपन दिया गया होगा। आपने ये वाला कूपन कॉपी करना है यहाँ से। कैफ वन इज योर सब्जेक्ट। आपने वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट पे जाके एंटर कूपन हेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना वो कूपन कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना है। जब आप वो कूपन पेस्ट कर लेंगे तो आपने यहां से अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके टेस्ट होते रहते हैं। आपने ये कूपन कौन से सब्जेक्ट के लिया है बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपने जितना टाइम आपको लगता है लगाएं, लेकिन गलती नहीं करनी। कैफ वन के फास्ट ट्रैक के टेस्ट के लिए आपको ये कूपन मिला है, यहाँ से आपने कैफ वन का फास्ट ट्रैक का टेस्ट ही सिलेक्ट करना है। अगर आप गलत कूपन लगाएंगे तो कूपन आपका जाया हो जाएगा, जिससे आपके पैसे जाया हो जाएंगे। पैसे जाया होने का मतलब यह है कि आपको दोबारा जो कूपन है वो नहीं लग सकेगा। ठीक है जी, तो आपने इंतहाई ध्यान से सारा ऊपर कूपन कॉपी पेस्ट कर दिया और ये यहाँ पे आपने अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया। अब आपने प्रोसीड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे, ये देखें ऊपर विंडो घूम रही है। अभी ये घूम के आपको जब ये दोबारा वापस आएगी तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कूपन कोड हैज बीन अप्लाइड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये है कि आपका कूपन कोड जो है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। जब कूपन कोड एक दफा अप्लाई हो जाता है उसके बाद वो कूपन दोबारा नहीं लगता। अगर आप दोबारा कूपन लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर आएगा, वो कहेगा ये कूपन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? क्यों? क्योंकि आप ये कूपन यूज कर चुके हैं। अब आप दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर जाएं, दूसरा सब्जेक्ट का कूपन यहाँ से कॉपी करें। अगर आपने दो सब्जेक्ट्स, एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स की एनरोलमेंट किए हैं तो आप दोबारा वापस आए, यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट पेस्ट करें और सिलेक्ट सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। सब्जेक्ट है क्या? फ्री फास्ट ट्रैक। अब ये वाला जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर सेलेक्ट करें और प्रोसीड का बटन पर क्लिक करें। जब आप प्रोसीड के बटन में क्लिक करेंगे तो वो दोबारा ये देखें प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी और जब ये पेज रिफ्रेश होके आएगा तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा कूपन कोड हैज बीन अप्लाइड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये है कि सेकंड कूपन भी आपने सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया है। अब हम थर्ड कूपन की तरफ चलते हैं जो कि कैप फोर का है। कैप फोर में दो ऑप्शन है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आपको जिस ऑप्शन के लिए कूपन दिया गया है आपने सिर्फ उसी कूपन ऑप्शन में कूपन लगाना है। कूपन कॉपी पेस्ट कर दिया, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अगर आप 1000 वाला फास्ट ट्रैक का कूपन ले रहे हैं तो आप ये कैप फोर फास्ट ट्रैक पे क्लिक करेंगे। और अगर आप कैप फोर फास्ट ट्रैक 12 टेस्ट वाला कूपन लिया हुआ है आपने तो आप ये 12 टेस्ट को सेलेक्ट करेंगे। इस वक्त मैंने जो कूपन लिया है 1000 रुपीज वाला वो कैप फोर फास्ट ट्रैक का है। और कैप फोर के फास्ट ट्रैक में ये कूपन एंटर करने के बाद मैंने प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है और ये प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। मोबाइल के ऊपर भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, मोबाइल के ऊपर भी बिल्कुल ऐसे ही प्रोसेसिंग आपको नजर आती है। अब यह आपकी प्रोसेसिंग हो गई है, दोबारा लिखा हुआ रहा है कूपन कोड हैज बीन अप्लाइड सक्सेसफुली। तो इस वक्त मैंने तीन कूपन जो है ना वो अपने कोर्स में लगा लिए हैं। अब इन तीनों सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस वगैरह है वो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, राइट? सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस करनी थी।
और वो ये थी कि हमारा जो है वो टेस्ट के ऊपर हम लोग रजिस्टर कैसे कराएंगे। आपने वेबसाइट रजिस्टर की, आपने अकाउंट बना लिया, आपने कूपन भी इंसर्ट कर लिया। अगली जो चीज है वो ये है कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करने हैं, इसके ऊपर अब हम बात करने लगे हैं। देखिए जरा, आप व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आपको इसी ईमेल के अंदर जो आपको आई है उसके अंदर ये व्हाट्सएप के ग्रुप के लिंक्स हैं। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे या अपने आपको ये वाला लिंक जो है ये व्हाट्सएप कर लें, या जब आप इस लिंक पे अपने मोबाइल से क्लिक करेंगे तो आपका ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है ये ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है जी, वन बाय वन आपने तीनों व्हाट्सएप के ग्रुप ज्वाइन कर लेने हैं और इसके बाद आपने अपना जो भी एडमिशन, जो आपका प्रिपरेशन का प्लान है वो आपने शुरू कर देना। राइट, सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट। हम लोग वेबसाइट के ऊपर एनरोल हो रहे हैं, रजिस्टर करवा रहे हैं और उसके बाद आपने इसका स्केड्यूल डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। राइट, आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि वेबसाइट के ऊपर टेस्ट सेशन कैसे काम करता है और ये कैसे होगा। नंबर वन इज कि जनाब, जिस दिन आपका टेस्ट है, देखें जो भी डेट है, आप देखें कि आपके क्वेश्चन की डेट क्या। फॉर एग्जाम्पल, आपका कैफ वन का जो टेस्ट नंबर वन है वो 26 तारीख को होगा, 26 जुलाई को। तो हम लोग क्या करेंगे, 26 को ये जो क्वेश्चन पेपर है इस टेस्ट का वो वेबसाइट पर नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, आप वहां से उसकी पीडीएफ की डाउनलोड करेंगे और आपके पास जो है ना वो 36 घंटे हैं जिसके ऊपर, जिसके अंदर अंदर आपने वो क्वेश्चन डाउनलोड करके उसको सॉल्व करके अपलोड करना है। यानी कि ये कैसे होगी वर्किंग, जिस दिन फर्ज करेंगे हमारा 26 जुलाई को टेस्ट है तो 26 जुलाई के 24 घंटे बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग रात 12 बजे क्वेश्चन पेपर जो है ना वो अपलोड हो जाएगा। आप उसको रात को 2 बजे भी 26 जुलाई को वो टेस्ट दे सकते हैं, 1 बजे भी दे सकते हैं, इवन 12 बज के 50 मिनट पे भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो 26 जुलाई जैसे ही शुरू होगी वो क्वेश्चन पेपर आपको वेबसाइट पर नजर आना शुरू हो जाएगा। आप उसको डाउनलोड करेंगे 26 जुलाई और 27 जुलाई का भी हाफ डे यानी कि 12 घंटे, तो टोटल 36 आवर्स है आपके पास जिस टाइम पीरियड के दौरान आपने वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है और उसका सोल्यूशन अपलोड करना है। यानी कि जिस दिन टेस्ट है उससे अगले दिन दोपहर 12 बजे तक आप अपलोड कर सकते हैं उसका सोल्यूशन। ठीक है जी, कैसे करते हैं, क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड होता है ये भी अभी मैं आपको बताता हूं। अपलोड आपने करना है वो आपने पोर्ट्रेट पेजेस के ऊपर करना है, क्योंकि आपको पता है ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि वो जो असाइनमेंट पेपर्स होते हैं इनके ऊपर सोल्यूशन नहीं करना, आपने सीधे लंबे पेपर्स पे सोल्यूशन करना है। क्योंकि ये जो ऐसा पेपर होता है जिसकी हाइट ज्यादा होती है और उसकी चौड़ाई कम होती है, इस तरह का पेपर आपको एग्जाम में मिलेगा, तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन तो इसी पेपर के ऊपर आपकी आएगी ना। आप अगर असाइनमेंट पेपर के ऊपर सॉल्व करके अपलोड करना शुरू कर देंगे तो वो गलत प्रेजेंटेशन कंसिडर की जाएगी। आपने अपना आईकैप का सीआरएन नंबर और पेज नंबर हर पेज के ऊपर लिखना है और फिर उसके बाद उसकी तस्वीरें लेके अपलोड कर देनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल दी है कि पेज नंबर 1 of 5, पेज नंबर 2 of 5, पेज नंबर 3 of 5, इस तरह हर पेज के ऊपर आपने पेज नंबर लिख देना है और हर पेज की अलग अलग तस्वीर अपने मोबाइल से खींच के हमारे पोर्टल पे अपलोड कर देनी है। राइट, ठीक है जी। इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आपका सोल्यूशन अपलोड हो जाएगा उसके बाद हमारी जो टीम है वो इसको चेक करेगी और टीम इसको चेक करके आपको विद इन 7 to 10 days अपलोड कर देगी जो हमारे फास्ट ट्रैक के जो टेस्ट है, क्योंकि अगले टेस्ट से पहले पहले वो आपका टेस्ट ट्रैक हो जाएगा। और जो हमारे ये स्पेशल फास्ट ट्रैक टेस्ट है 12 टेस्ट वाले, वो भी इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में आपको टेस्ट ट्रैक होके मिल जाया करेंगे। सो ये तो सारी किताबी बातें थी, अब हम चलते हैं जरा वेबसाइट के ऊपर के वेबसाइट के ऊपर ये काम कैसे होगा। अब देखें, हम लोग एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैफ वन। तो कैफ वन का मैंने एक डेमो टेस्ट जो है वो यहाँ पे लिया हुआ है, मैं उसी के अंदर रहता हूँ। फास्ट ट्रैक का डेमो टेस्ट, फास्ट ट्रैक के डेमो टेस्ट के अंदर जब भी आप जाएंगे इसी तरीके से आपको टेस्ट वन नजर आ रहा होगा, टेस्ट टू नजर आ रहा होगा। आप यहाँ से फिल्टर पे अपना सब्जेक्ट फिल्टर करेंगे तो आपको सिर्फ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें आ रही होगी। देर आर सम अदर स्केड्यूल्स, स्केड्यूल ए जिनके कुछ टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ सब्जेक्ट्स के स्केड्यूल्स 3-3, 4-4 है, लेकिन ये वो स्केड्यूल्स हैं जो इससे पहले चल चुके हैं। आपने फास्ट ट्रैक वाले के ऊपर जाना वो फोकस करना है। तो फास्ट ट्रैक का जो क्वेश्चन पेपर है मैं इसे डाउनलोड करने जाऊंगा, तो जैसे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा वो क्वेश्चन पेपर मेरा डाउनलोड करने की तरफ मुझे ले जाएगा। अब आप सिर्फ और सिर्फ उसी टेस्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं जिसका कूपन आपने लगाया हुआ है। जैसे देखें यहाँ पे आ गया, उसने कहा कि आंसर स्क्रिप्ट इन वैलिड फॉर्मेट विल बी एक्सेप्टेड टिल दिस टाइम। अब ये टाइम वो होगा जो मैंने आपको बताया 36 घंटे का, यानी कि 27 तारीख को अगर आपका टेस्ट है ना
उसका जो वैलिड टाइम होगा ना, वो अगर 26 का टेस्ट है तो वो 27 तारीख दोपहर 12 बजे तक, अगर 28 तारीख का टेस्ट है तो वो अगले दिन दोपहर 12 बजे तक अपलोड किया जा सकता है, राइट। तो ये डिफरेंट टाइप की जो टाइम पीरियड है ये आपको यहाँ पे बता भी देगा। देखिए ग्रीन पॉइंट में वो बता रहा है कि यू हैव 1 day 7 hours एंड 8 minutes टू अपलोड योर सोल्यूशन। अब ये टाइम ऑटोमेटिकली रिमेनिंग टाइम के हिसाब से कैलकुलेट होता है और वो आपको बताता है कि आपके पास कितना टाइम रह गया है सोल्यूशन अपलोड करने के लिए। मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, तो जनाब ये क्वेश्चन पेपर मेरे पास डाउनलोड हो गया है, ठीक है जी। इस क्वेश्चन पेपर को मैं ओपन करता हूँ और ये मेरे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन का मैं अपने पेपर पर सोल्यूशन करूंगा। ये पीडीएफ की फाइल है, जब मैं सोल्यूशन कर लूंगा, सोल्यूशन अपलोड करने के लिए जाऊंगा, मैं वेबसाइट पे वापस जाऊंगा या मैं यहां से रिटन टेस्ट पे क्लिक करता हूं, रिटन टेस्ट पे क्लिक करके जब मैं वापस अपने कैफ वन के फास्ट ट्रैक के अंदर जाऊंगा तो आप देखेंगे कि यहां पे अपलोड का बटन हाईलाइट हो चुका है। इससे पहले ये बटन हाईलाइटेड नहीं था, यानी कि जब आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली अपलोड का बटन हाईलाइट हो जाएगा। अगर टाइम रहता होगा अपलोड करने में, यानी कि अगर अभी आप अपलोड कर सकते हैं तो आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद आप यहां से अपने पेपर के जो है ना वो इमेजेस सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। डेमो पर्पजेस के लिए मैंने ये चार तस्वीरें जो है ना ये ली है। अगर आप गौर से देखें तो इन चारों तस्वीरों में बच्चे ने सॉल्यूशन जो है ना वो सॉल्व किया हुआ है और हर पेज के ऊपर ये देखें लिखा हुआ है, अगर मैं उसको जूम करके आपको दिखा सकूं तो 3 by यानी कि ये पेज नंबर 3 है। हालांकि ये जो सैंपल मैंने सेलेक्ट किया है ये इतने अच्छे तरीके से इसने तस्वीरें क्लिक नहीं की है, आपको चाहिए कि आप दीवार के साथ पेपर को रख के सीधी सीधी तस्वीरें क्लिक करें, लेकिन फिर भी इवन ये भी चल जाएगा। लेट्स अज्यूम कि मैं ये चार तस्वीरें जो है ना ये अपलोड करना चाहता हूँ। मैंने ये चारों तस्वीरें अपने मोबाइल में डाल दी है, मैं इसको रीनेम करूंगा 1, इसको रीनेम करूंगा 2, इसको रीनेम करूंगा 3 और इसको रीनेम करूंगा 4। ये मेरे चार पेजेस हैं कि जिनको मैंने अपलोड करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये चारों के चारों पेजेस सेलेक्ट करके यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा, या अगर मैं इंटरनेट मोबाइल से कर रहा हूँ तो मोबाइल से डायरेक्टली अपलोड किया जा सकता है। मोबाइल से डायरेक्टली सोल्यूशन अपलोड करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जो आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी तमाम बच्चों को, कि यार सीधा सीधा मोबाइल से कैसे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बटन है आई कंफर्म दैट आई हैव अपलोडेड ऑल द इमेज ऑफ माय टेस्ट, इसके ऊपर टिक करेंगे और अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी अपलोडिंग शुरू हो जाएगी। अब देखिए अपलोडिंग बड़ी फास्ट हो रही है, क्यों? क्योंकि ये छोटे साइज के इमेजेस हैं। नॉर्मली जिसके पास जितना नया मोबाइल होता है, जितने हाई मेगापिक्सल्स का कैमरा होता है, वो उतनी ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम आती है। ये देखें यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है टेस्ट आंसर अपलोडेड सक्सेसफुली, यानी कि अगर सारी चीजें ठीक ठीक चलेंगी तो फिर आपको सारी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन प्रॉपर आएगी। नॉर्मली प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों के पास जो मोबाइल कैमरा होते हैं वो इतने ज्यादा हाई रेजोल्यूशन की तस्वीर खींचते हैं कि उसको अपलोड करना प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहली चीज, जब आप तस्वीर खींचने लगे अपने मोबाइल से तो उस वक्त कोशिश करें कि उसकी रेजोल्यूशन को कम कर लिया जाए, अक्सर मोबाइल्स में ये ऑप्शन होती है, फिर उसको क्रॉप कर लें ताकि एक्स्ट्रा जो उसकी जगह है वो डिलीट हो जाए और उससे साइज कम हो जाए। कम फाइल साइज की जो पिक्चर है जब आप वो अपलोड कर देंगे तो आप देखेंगे कि अब आपको उसी टेस्ट के सामने अपलोड का बटन हाइड हो गया है, अपलोड का बटन हाइड हो गया है और सजेस्टेड का बटन नजर आना शुरू हो गया है। यानी कि जैसे ही आप अपना सोल्यूशन अपलोड करेंगे उसके बाद आप दूसरी दफा अपलोड नहीं कर पाएंगे और आपको सजेस्टेड सोल्यूशन का आंसर सजेस्टेड सोल्यूशन नजर आना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सजेस्टेड सोल्यूशन डाउनलोड हो जाएगा जिसके साथ आप अपने मार्कशीट को चेक कर सकते हैं। अब मजे की बात यह है, अब देखें यहाँ पे हर क्वेश्चन है उसके सामने बताएगा कि इसके नंबर कितने हैं, ठीक है जी। हर रिक्वायरमेंट के हर एंट्री के नंबर्स बताए हुए, इसका एक नंबर था, इसका आधा नंबर था, ये एंट्री करेक्ट ऐसे होनी चाहिए थी, इसके करेक्ट आंसर्स ये हैं। तो जनाब सोल्यूशन आप लोगों के सामने मौजूद है। अब बैकएंड पे मैंने अपनी टीम को कह दिया है, वो टीम जो है वो टेस्ट चेक कर रही है। अभी थोड़ी देर में जैसे ही टीम मुझे बताएगी कि जनाब आपका टेस्ट चेक हो गया है, हमें यहाँ पे वो टेस्ट चेक में नजर आना शुरू हो जाएगा और हम लोग फिर उसको डाउनलोड कर सकते, ठीक है जी। अच्छा टीम ने मुझे बता दिया है कि जी टेस्ट चेक होके अपलोड हो गया है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक दफा इसको रिफ्रेश करेंगे तो अगर सारी चीजें बिल्कुल ठीक हुई हुई हैं तो फिर आपको यहाँ पे सोल्यूशन भी नजर आना शुरू हो जाएगा। जी जनाब ये देखें आप यहाँ से जाएंगे कैफ वन पे क्लिक करेंगे तो आपको कैफ वन के मार्क्ड का बटन नजर आना शुरू हो गया है। दिस मार्क मीन्स के टेस्ट आपका चेक हो चुका है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप मार्क्ड टेस्ट में चले जाएंगे। आपके टेस्ट में 18 नंबर आए हैं और एग्जामिनर ने जो आपका चेकर था उसने जो जो कमेंट्स आपके ऊपर इस क्वेश्चन के ऊपर दिए हैं वो ये हैं।
ठीक है जी। अब क्योंकि मैंने उनको बताया हुआ था कि आपने बस यही बात करनी है, दीज आर द रैंडम कमेंट्स परफॉर्म्ड वेल इन क्वेश्चन वन एंड टू, पुअर परफॉर्मेंस शॉर्ट अप इन एमसीक्यू, इंप्रूव मोर फॉर गुड प्रैक्टिस इवन, बल्कि इसमें मजीद ज्यादा डिटेल से बातें होती हैं कि क्वेश्चन वन के अंदर आपने ये जो बात ऐसे लिखी थी ऐसे नहीं, ऐसे लिखनी चाहिए थी। अब ये तो क्योंकि उन्होंने डेमो के तौर पर लिखी है इसलिए ज्यादा आपको कन्फर्म नजर नहीं आ रहे। हम डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड के बटन पर क्लिक करते हैं तो जो पिक्चर्स आपने अपलोड की थी वो सारी की सारी पिक्चर्स, उसके ऊपर एग्जामिनर ने जो भी चेकिंग की थी वो चेकिंग होके आपको नजर आ रही है। ये आपके पास चार तस्वीरें आ चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पहली तस्वीर के ऊपर क्लिक करता हूँ, दिस इज द फर्स्ट पिक्चर जिसके ऊपर एग्जामिनर ने टिक करके आपको बताया है कि इसके आपके तीन नंबर है। अब अगेन ये डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। कभी कभार ऐसे भी होता है कि एग्जामिनर ने कोई कमेंट्स लिखने हैं तो, और अगर आपकी स्क्रीन जो है, अगर आपने जो पेपर अपलोड किया है ये प्रॉपर लाइटिंग वाला है, यानी कि उसके ऊपर लाइट ठीक है और ये वाली जो खाली जगह ये वाइट है, तो वो यहाँ पे ही टाइप कर देता है जिससे आपको नजर आना शुरू हो जाता है कि एग्जामिनर ने इस सवाल के ऊपर क्या रिस्पॉन्सेज दिए। तो जनाब ये वो सारी चीजें हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि किस तरीके से आप अपने मार्क्स, अपने कमेंट्स और ये वाली सारी चीजें देख सकते हैं। इवन जब आप रिटन टेस्ट में दोबारा जाएंगे तो ये जो टेस्ट है ये आपको नजर आता रहेगा और तकरीबन 7 हफ्तों तक ये टेस्ट ऊपर लिस्ट में नजर आता है, उसके बाद ये नीचे वाली लिस्ट में मूव हो जाता है। ओल्ड टेस्ट रिजल्ट्स एंड मार्क आंसर्स के, तो यहाँ पे आपके जो भी टेस्ट है वो आपको नजर आ रहे हैं। देखें यहाँ पे कैफ वन का फास्ट ट्रैक का डेमो टेस्ट मैंने दिया था, इसमें मेरा 18 मार्क्स से 60% परसेंटेज थी, और अगर मैंने अपना मार्क सोल्यूशन डाउनलोड करना है तो यहाँ से कर सकता हूँ, और इसके अलावा जितने भी पास्ट में आपने टेस्ट दिए थे वो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। राइट, चलें दैट्स ग्रेट। आप लोगों को मैंने एक पूरा का पूरा समरी बता दिया है कि क्या है, आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। एक स्टूडेंट ने कहा है सर अभी प्रिपरेशन पॉसिबल है इफ यू हैव ऑलरेडी कवर्ड 40% सिलेबस। देखें अभी टाइम है, आप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा वक्त ऑलरेडी जाया हो चुका है, लेकिन मजीद वक्त जाया ना करें, और अगर आपकी प्रिपरेशन में कहीं पर भी लैग है तो करें, ठीक है, इसको ठीक करें, इसको किया जा सकता है। सर फारूक इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड सिंसेयर। जी बिल्कुल, ये बात तो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। CMADZ के अंदर हमारे बहुत ही अच्छे टीचर और बड़े अच्छे रिसोर्स हैं CMADZ के ऊपर, नियर पियर के ऊपर, और बड़ी अच्छी इनसाइट होती है उनकी रिगार्डिंग द नीड ऑफ स्टूडेंट, के स्टूडेंट जो है वो कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको कहाँ पे हेल्प की जरूरत है, और वो उसके ऊपर सेशंस जो है ना वो क्रिएट कर रहे होते हैं। चले जी, एक ही टीचर की बहुत ज्यादा तारीफें करने के बाद हम लोग अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सर CMADZ की रिविजन क्लासेस में कैफ वन कौन करवा रहा है? जनाब मैं खुद करवा रहा हूँ जी कैफ वन। कैफ वन आपको पता है कि समझ लिया कि मेरा मेन सब्जेक्ट है कैफ के अंदर, और मैं इंशाल्लाह इसका जो है ना रिवीजन सेशन कराऊंगा। पिछली दफा भी मैंने कराया था, इस दफा भी मैं ही करवाऊंगा, और मेरा नाम है जहां से। टाइमिंग्स क्या होंगी? 5 तारीख से, 5 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक। सर अजमल कानवी इज ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग एंड आउटस्टैंडिंग टीचर ऑफ FAR2। जी बिल्कुल, CMADZ के अंदर हमारे जो प्राइम टीचर्स हैं माशाल्लाह से, वो सारे ही बड़े मेहनती हैं और बड़े हेल्पफुल हैं सारे लोगों के लिए। मैंने आपको बताया ना कि CMADZ हो, नियर पियर हो, CA नोट्स हो, वेबसाइट हो, हमारी पब्लिकेशन हो, हर चीज़ में आपको स्टूडेंट का बेनिफिट, स्टूडेंट की बेनेवलेंस, स्टूडेंट के लिए पेन नजर आएगी कि हम लोग कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जाए, स्टूडेंट को हेल्प आउट किया जाए। राइट, चलिए आप लोगों के कोई और क्वेश्चंस नहीं है तो फिर हम लोग इस सेशन का एंड करते हैं। जी जी ठीक है, आप लोगों की तरफ से अब कोई पेंडिंग क्वेश्चंस नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने अब टेस्ट की जो है ना वो प्रिपरेशन करनी है। ठीक है जी, कमेंट्स आ रहे हैं। सर माई कैफ वन गेट क्लियर ड्यू टू रिविजन हेल्ड बाई यू। थैंक यू सर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने रिविजन की और उससे मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपको उस रिविजन क्लास का फायदा हुआ। इंशाल्लाह इसी तरीके से सब बच्चों के बेनिफिट के लिए हम लोग काम करते रहे हैं, करते रहेंगे। आप लोगों की दुआएं चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी और सेशन में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।